और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नामांकन दाखिल किया है। सीएम धामी ने खटीमा से नामांकन दाखिल किया। उत्तराखंड के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया तेज हो चुकी है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, खटीमा विधानसभा सीट से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नामांकन दाखिल किया है। उत्तराखंड में चुनाव प्रक्रिया जो है वो तेज है, चुनाव आने वाले हैं और ऐसे में जो नामांकन की प्रक्रिया है वो भी तेज होती नजर आ रही है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा से अपना नामांकन दाखिल किया है, नामांकन भरा है। तो उत्तराखंड में चुनाव बेहद नजदीक है, ऐसे में नामांकन की जो प्रक्रिया है वो भी तेज हो चुकी है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा से नामांकन अपना भरा है। खटीमा से प्रत्याशी के तौर पर बीजेपी ने उन्हें उतारा है, सीएम पुष्कर सिंह धामी को। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नामांकन अपना भरा है, नामांकन दाखिल किया है खटीमा सीट से। उत्तराखंड में चुनाव के मद्देनजर नामांकन प्रक्रिया और तेज हो चुकी है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपना नामांकन दाखिल कर लिया है। सीएम धामी ने खटीमा से अपना नामांकन दाखिल किया है। उत्तराखंड में चुनाव के मद्देनजर नामांकन प्रक्रिया में और गति आ चुकी है और तेजी आ गई है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करते वक्त की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, जब सीएम पुष्कर सिंह धामी नामांकन कक्ष में पहुंचे जहां पर उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। तो हमारे संवाददाता दीपक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। दीपक, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी अपना नामांकन दाखिल किया है, अभी क्या कुछ ताजा अपडेट और जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, हमें समय से इंतजार था कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कब अपनी विधानसभा से लगातार तीसरी बार विधानसभा में अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे और वो दिन आज आ गया है। उन्होंने अभी कुछ देर पहले ही खटीमा का जो तहसील कार्यालय है, रिटर्निंग ऑफिसर ऑफिस है, उसमें अपना नामांकन दाखिल किया है। वो रिटर्निंग ऑफिसर रविंद्र बिष्ट के सामने उन्होंने अपना नामांकन पत्र शामिल किया है और उसकी तस्वीर हमने अभी आपको दिखाई है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हालांकि दो दिन, एक दिन पहले ही यहाँ पर पहुंच चुके थे और लगातार वो जनसंपर्क भी विधानसभा में लगातार कर रहे हैं और आज अपना नामांकन पत्र दाखिल कर चुके हैं। अब कुछ देर बाद मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के प्रत्याशी भी यहाँ पर नामांकन पत्र दाखिल करेंगे और इससे पहले आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, जो कि मुख्यमंत्री की विधानसभा से लड़ने जा रहे हैं, एसएस कलेर ने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। जी मनीषा, ठीक। दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए। अपनी नजर लगातार बनाकर रखिएगा। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा सीट से अपना जो नामांकन है वो दाखिल किया।